मैनपुरी से दोबारा सांसद बनने के बाद पहली बार आप पहुंचे हैं मैनपुरी कार्यालय, जन सुनवाई की है, कई लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे? वैसे बहुत सारी दिक्कतें हैं जहां यहां पे हमें सिपाही जेआरडी है, जो सिपाही लोग हैं जिन्होंने हमें अपना ज्ञापन दिया है, जिनकी रोज की जो उनको आय मिल रही है वो 375 रुपये तक मिल रही है। जहाँ पे कोर्ट का भी आदेश है कि जितनी पुलिस को मिलती है वेजेस उतना ही इनको भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से हमारे बीआरडी के सेना वालों की। और इसी के साथ मैं समझती हूँ किसान यूनियन भी यहाँ पे मौजूद है, जो किसानों के हक, सम्मान और अधिकार के लगातार लड़ रहे हैं, जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, और जिस तरह की दुविधा और असुविधा किसानों के सामने आज खड़ी है, मैं समझती हूँ जहाँ लोगों ने पूरा साथ और समर्थन दिया है और एक मजबूत विपक्ष आज खड़ा है, तो हम सब मिलके अपने किसान भाइयों की, अपने जवान भाइयों की, अपनी माताओं बहनों की और अपने नौजवान साथी की लड़ाई लड़ेंगे। मैम, क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार इस कार्यकाल में आपकी मैनपुरी के लिए? लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराने वाले हैं या कुछ और कुछ नया आ रहा है? मैं समझती हूँ सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो सरकार 10 साल से है और जिसका 10 साल का कार्यकाल दूसरी सरकार का पूरा हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के अवसर युवाओं को उपलब्ध कराए, इस तरह का माहौल बनाए जिससे अवसर बने, युवाओं की नौकरी के मिले, रोजगार मिले। तो ये सरकार हर तरीके से नाकाम साबित हुई है और आने वाले समय में इस प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए लोग सरकार बदलने का काम करें। हाथरस घटना पर राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इस तरीके के लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हो गया वोटू? वोटू कर लेना ज्ञापन का। चलिए भाई मिश्रा जी, हेलो, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते। जब 2023 में अभी ये जीते हैं कोर्ट में, तो भी नहीं भरा सुनवाई नहीं हो रही कोई, ठीक है, हमारी मांग को आइए तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।